फ्रेंड्स, मैं हूँ मारावत और स्वागत है आपका अपने चैनल फूड्स लैब में। आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ 7 तरह के एकदम रिफ्रेशिंग और टेस्टी रायते, जो कि आपके खाने में 4 चंद लगा देंगे और स्वाद दोगुना कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम दही को छान लेंगे। इस तरीके से एक स्ट्रेनर लेंगे और इसमें दही को छानेंगे। दही को विस्कर या फिर स्पून से फेंट भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दही को छान लिया है अच्छे से। अब हम इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे और स्मूथ कर लेंगे। हमारा दही स्मूथ हो चुका है, अब हम इसे साइड रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम बेसिक रायते से। ये हमारा प्लेन ग्रीन रायता है। इसके लिए हमें एक चटनी चाहिए होगी। इसमें हमने धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च और जीरा डालकर थोड़ा सा नमक और पानी ऐड किया है और पीस लिया है। अब हम इसके 2 टीस्पून लेंगे। आप ये रायता किसी बिरयानी के साथ या फिर चिकन या फिर पनीर टिक्का के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, और काला नमक, और थोड़ी सी धनिया और पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे चॉप्ड। अब लास्ट में हम इसमें दही ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हैं या फिर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, आपको ये सेम रायता डिप के तौर पे सर्व किया जाता है। तो आप इसे घर पर ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं और गार्निश करेंगे धनिया पत्ते के साथ। अब इसे हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा करें, उसके बाद सर्व करें। तो ये ग्रीन रायता हमारा तैयार है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट रायता है हमारा ब्रिंजल रायता, यानी कि बैंगन का रायता। बैंगन का रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर बैंगन को रोस्ट कर लिया, उसके बाद इसका पल्प अलग कर लिया है। अब हम इसका पल्प लेंगे 2 टेबल स्पून। हम यहाँ पर 1 सर्विंग के अकॉर्डिंग बना रहे हैं रायते। तो हमने यहाँ पर धनिया, पुदीने के पत्ते और ग्रीन चिलीज डाल दी हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और भुना हुआ जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून हम ग्रीन सॉस ऐड करेंगे। लास्ट में हम दही ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो हमारा ब्रिंजल रायता अभी रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। बैंगन के रायते को और टेस्टी करने के लिए हम इसमें हींग का तड़का देंगे। तो लीजिए, हमारा बैंगन का रायता तैयार है। गार्निश करेंगे ग्रीन चिली के साथ, और इसे ठंडा करें और उसके बाद सर्व करें। नेक्स्ट रायता है खीरे का रायता। खीरे का रायता बनाने के लिए हम खीरे को ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस में और एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ कटे हुए धनिया पत्ते, पुदीना पत्ता और हरी मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। ऐड कर देंगे दही और मिक्स करेंगे। ये सारे रायते बनाने बहुत ही आसान हैं। ये सभी चीज़ें हमारे घरों में हमेशा मिल जाती हैं, तो इनसे हम बड़ी आसानी से रायता बनाकर तैयार कर सकते हैं। गार्निश करेंगे हम भुने हुए जीरे पाउडर के साथ। तो लीजिए, हमारा कोकम्बर रायता भी रेडी है, सर्व करिए ठंडा ठंडा। नेक्स्ट रायता है हमारा पाइनएप्पल रायता। पाइनएप्पल रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ चॉप्ड पाइनएप्पल ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर केन वाला पाइनएप्पल लिया है। आप फ्रेश पाइनएप्पल भी लेकर रायते में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें शुगर थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि ये केन वाला है तो ये मीठा होता है, तो इसमें हम 1 टीस्पून ही डाल रहे हैं शुगर। जीरा पाउडर डाल देंगे भुना हुआ, और थोड़ा सा काला नमक, और दही डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा पाइनएप्पल रायता भी रेडी है, सर्व कर लेंगे इसे और गार्निश करेंगे भुने हुए जीरे पाउडर के साथ और थोड़े से पाइनएप्पल चंक्स के साथ। तो लीजिए, हमारा पाइनएप्पल रायता रेडी है, ठंडा करके सर्व करें इसे। हमारा नेक्स्ट रायता है बॉटल गोर्ड, यानी कि लौकी या फिर घिया। घिये का रायता बनाने के लिए हमने घिया को छील कर इसे कद्दूकस किया, उसके बाद 5 मिनट के लिए पानी में बॉईल किया और स्क्वीज़ किया अच्छे से। अब हम इसे एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से कटे हुए धनिया, पुदीने के पत्ते, कुछ हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बॉटल गोल्ड रायता भी तैयार है, सर्व कर लेंगे। गार्निश करेंगे थोड़े से भुने हुए जीरा पाउडर, धनिया पत्ती और लाल मिर्च पाउडर के साथ। तो लीजिए, हमारा बॉटल गोल्ड रायता तैयार है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या फिर आपका बीपी हाई है, तो आप ये रायता अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। तो अगला रायता है हमारा वर्मीसिली रायता। वर्मीसिली रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर वर्मीसिली को बॉईल कर लिया है अच्छे से सॉफ्ट होने तक। अब हम इसे बोल में शिफ्ट कर लेंगे। ये रायता बनाने के लिए आपने जो दही लेना है वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपका दही खट्टा है तो उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करें। अब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर इलायची पाउडर और शुगर।
शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच ऐड की है। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जो भी आपको पसंद हो, और दही ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रायता आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें एक बार घर पे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको कोई मीठा रायता खाने का मन है तो आप ये वाला रायता भी ऑप्शन में ले सकते हैं। सर्व कर लेंगे और इसे गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो लीजिए, हमारा वर्मीसेली रायता तैयार है। अब इसे ठंडा करें और सर्व करें। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा मिक्स वेजिटेबल रायता। मिक्स वेजिटेबल रायता बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले रहे हैं, जैसे कि टमाटर लिया है हमने यहाँ पर, और प्याज ले लिया है। बारीक कट करके इसे लेना है, और थोड़े से हम ककड़ी और खीरे ले लेंगे। और यहाँ पर हमने बूंदी ली है। आप यहाँ पर कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। कुछ कटी हुई हरे मिर्च, धनिया पत्ते और पुदीने पत्ते ऐड कर देंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे। ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च ऐड करेंगे। पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे। सफ़ेद नमक ऐड कर देंगे और दही ऐड करेंगे। दही यहाँ पर हम थोड़ा सा पतला वाला भी ऐड कर रहे हैं, चूँकि ये रायता थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तड़का देंगे करी पत्ते और थोड़ी सी हींग का। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे और ठंडा करके परोसेंगे। तो लीजिए, हमारा मिक्स वेजिटेबल रायता तैयार है। आप इन रायतों को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इन सभी रायतों के अपने हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि पाइनएप्पल रायता। पाइनएप्पल में खाना डाइजेस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, और इसमें जो मसाले पड़े हैं, जैसे कि भुना हुआ जीरा पाउडर, करी पत्ते और काला नमक, हींग, ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेशन को दुरुस्त रखेंगी। रायते को लेकर एक इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आप रायता तुरंत सर्व नहीं करना चाहते तो नमक आप इसमें तभी ऐड करें जब आप इसे सर्व करना चाहें, अदरवाइज दही हमारा खट्टा हो सकता है। तो गाइज, ये थी हमारे रायते की रेसिपीज़। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।